الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمداً لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين अशरफ الطيبين الطاهرين المعصومين. मौजत साम मद और क़यामत के अक़ीदे पर अकली और नकली दलाइल पेश किए गए और एक शबह और एक इश्काल और सवाल जो है वो जो जहनों में उठता है पेश किया गया कि फ़लसफ़े में एक बहस है एक डिस्कशन है फ़िलसफ़ी में कि वो चीज़ जो मदूम हो जाए वो उसका अदा नहीं होता वो पलटाई नहीं जा सकती हु बहू वही चीज़ एग्जेक्टली वही शेय वही चीज़ बिल्कुल वही चीज़ जो है फ़लसफ़ी नुक़ः नगाह से ये मुहाल है कि वो बिल्कुल उसी चीज़ को जो है जो ख़त्म हो गई जब एक बार चीज़ ख़त्म हो गई तो दोबारा कैसे उसको तमाम उन कजूद के साथ तमाम उन हदूद के साथ वही हो बहू वही चीज़ जो मदूम हो चुकी है नस्ती में जा चुकी ख़त्म हो गई जब ख़त्म हो गई तो दोबारा उसको कैसे पलटाया जाएगा कैसे वो पलटेगी तो ये कायदा जो है कि मदूम का ए महाल है मदूम को पलटाया जाना और उसका पलटना मुहाल है अकली लिहाज से ये फलसफ़ी लिहाज से जो है ये एक एतराज़ और अशिकाल यहाँ पर आद जसमानी में पेश आता है तो अब इसको इसका जवाब जो दिया गया है वो आप देखिए कि मदूम का पलटाना और पलटना जो है इससे क्या है एक मरतबा मदूम चीज़ जो है वो बिल्कुल नीस्ती और बिल्कुल फ़ना और फनाए महज़ यानि ख़त्म हो जाना बिल्कुल तो उस चीज़ को पलटाना या उस चीज़ का पलटना ये ए आद मदूम कहा जाता है और कभी जो है सामीन यह है कि बिल्कुल फ़ना पेश आ गई हो एक शय के लिए ऐसा नहीं बल्कि मरक्ब चीज़ जो है मरकब शे जो है उसके अज्जा जो हैं वो जो है मंतशर हो गए बिखर गए हैं तो ये तज़्जिया हो जाना और जुज़ जुज़ हो जाना बिखर जाना मुरक्बाद के अशिया का मुरकबाद की अशिया जो हैं उनके अज्जा का तो ये तहलील और तज़्जिया जो है अपनी मुरकब सूरत जो थी शक्ल सूरत उससे निकल जाना और अज्जा जब मुंतशिर हो जाए अलग अलग हो जाएँ बिखर जाएँ तो अजीजान गामी आप देखिए कि यहाँ पर मुरक्कब चीज़ अपनी शक्ल सूरत में नहीं रही और अज्जा अलग अलग हो गए इकट्ठे नहीं हुए जब इकट्ठे हुए थे तो एक ख़ास शक्ल सूरत में थी ख़ास तरकीब के साथ मुरक्कब हालत में तो ये मुरक्ब शय इस खास तरकीबी सूरत में थी तो ये एक शय थी अब वो बाकी नहीं रही लिहाजा यहाँ पर भी कहा जाता है कि ये मदूम हो गई लेकिन वो अज्जा जो हैं बिल्कुल फ़नाए महज नहीं हुए वो अज्जा जो मुंतशिर हुए हैं वो अज्जा अपने मकाम पर बाकी हैं लिहाजा वो मुरक्ब शय जिसके अज्जा बिखर गए अलग अलग हो गए अब वो इकट्ठे और इजतमाहीत में नहीं है तो शक्ल सूरत उन अजा की इकट्ठे होने की सूरत में एक और शक्ल सूरत थी वो शक्ल वसूरत मदूम हो गई ख़ुद अज्जा जो है वो नस्ती में नहीं गए फनाए महज पेश नहीं आए आई है उनके लिए इसी तरीके से आप देखिए कि एक शक्ल सूरत अगर दूसरी शक्ल सूरत में तब्दील हो जाए तब भी उस पहली शक्ल की फना हो जाती है जैसे लकड़ी अगर उससे फ़र्नीचर तैयार कर लिया जाए उससे जो है वो डोर और विंडोज़ बना लिए जाए तो अब ये फ़र्नीचर और आप देखिए कि चेयर की सूरत में सोफ़ा की सूरत में तो ये कबट की सूरत में विंडो की सूरत में ये जब दरख्त की लकड़ी थी तो उसकी सूरत कुछ और थी लेकिन अब इस शक्लो सूरत में आने के बाद वो शक्लो सूरत जो लकड़ी की थी वो ख़त्म हो हो चुकी तो ये सूरत बदल गई शक्ल सूरत बदल गई पानी एक सयाल और बहती हुई शह है जब इसको बर्फ़ बना दिया जाए जमा दिया जाए मुनजमद कर दिया जाए तो ये मुंजमद शक्ल सूरत एक और सूरत है अब ये पानी उस सूरत में नहीं है वो सूरत मदूम हो गई यहाँ पर भी मदूम का लफ्ज़ जो है वो कहा जाता है और सादक आता है और इसी तरीके से मिसाल हम देते हैं कि एक हालत से दूसरी हालत में बदल जाना तो ये एक हालत से दूसरी हालत में जब बदल जाए मसलन कपड़ा जो था सफ़ेद था अब उसको रंगीन कर दिया गया कोई और रंग उस पर चढ़ा दिया गया तो उसकी सिफत तब्दील हो गई लेकिन इस सिफत की तब्दीली के बाद अब सफ़ेद कपड़ा जो था सफ़ेदी की सिफत के साथ जो कपड़ा था वो अब नहीं रहा लिहाजा यहाँ भी कहा जा सकता है कि सफ़ेद कपड़ा और सफ़ेदी की सिफत के साथ जो था वो मदूम हो गया लिहाज़ा ये फलसफ़ी कायदा अब जो है वो देखने की ज़रूरत है कि ये मुख्तलिफ सूरतें हैं जहाँ पर पहले वाली जो हकीकत है हम कहते हैं वो मदूम हो गई और अब दूसरी हकीकत सामने आई है तो ये कहाँ इन चंद सूरतों को जो हमने आपके सामने पेश किया फ़लसफ़े में ये आदे मदूम महाल होने का जो मसला और एक इशू जो है वो जिस पर डिस्कशन की गई हो फे फ़िलासफ़ी में उसाम कराम आप देखिए कि ये कहाँ पर है ये एक हकीक़त जो है वो वजूद रखती हो और वो अपनी तमाम क्यूद और हदूद के साथ और अपनी तमाम हकीक़त के साथ और इसके बाद वो फ़ना महज उसके लिए पेश आ जाए फना महज उसके लिए पेश आए तब वो कानून फ़लसफ़ी ये कहता है कि ये मुहाल है लेकिन आप देखिए कि वो रूह बशर जो इंसानी जिसम के साथ जो मतलक़ कर दी गई थी और ताल्लुक़ था इस रूह का जिसम के साथ और रूह जिसम के साथ मिलकर हयात दुनियावी जो इंसान की सूरत में थी और ये मौत के साथ इंतकाल के साथ हयात दुनियावी ख़त्म होती है और रूह जो है कफ़सुरी से और इस मादी जिसम से आलादा होती है तो रूह के लिए कोई फ़ना नहीं रूह बाकी है मुंतकिल होती है शिफ्टिंग होती है आलम अरवाह में और आलम बरज़ में अज़ीज़ा गिरामी और बाज़ बाज़ीर जो रिवायात में है वो वादी सलाम है ममिन के लिए वो मक़ाम बरज़ में जहाँ वो क्या मकाम है जिसको वादी वादीम कहा गया है जहाँ पर वो रहेंगी अरवा बहरहाल वो बरज़ का आलम आजीज़ आने ग्रामी जो कयामत से पहले का आलम है मौत और कयामत के दरमियान का ये सारा अरसा और वो आलम तो उस आलम में मुंतकिल हो गई और फिर जब कयामत बरपा होगी वही रूह है जो आद जिसमानी जब होगी तो किसी जिसम के साथ मिलेगी और वो जिसम के साथ रूह मिलकर दोबारा इंसान का वही वजूद क्योंकि वही रूह है असल असास बुनियादी चीज़ वही है बशर के लिए और वही हकीकत है इंसान के लिए लिहाजा इंसान उस रूह एक जिस्म के साथ जो मिलेगी जिस्मानी माद के साथ इंसान बारगाह इलाही में हाजिर होगा और हशर नशर होगा इंसानों का मशहूर किए जाएंगे इंसान तो अब ये क्या हम यहाँ पर जब अगर तज़िया व तहलील करें और हकीकत को देखें और समझें अज़ीज़ा ने ग्रामी तो आप देखिए कि यहाँ ख़त्म तो नहीं होती हकीकत रूह की बल्कि रूह मुंतकिल हो जाती है और ये जिसम जो इंसान का है वो जिसम जो है खाक बन जाता है लिहाजा ये जिसम भी कामिल तौर पर ऐसा नहीं है कि फ़नाए महज और इस तरह नाबूदी के वो नीस्ती में हो नीस्ती कुछ नहीं हो नहीं तब्दीली है जिसम जो इस सूरत में है वो खाक में तब्दील हो जाएगा मट्टी में बदल जाएगा तो ये सूरत की तब्दीली है शक्ल सूरत की तब्दीली है और कायद फ़लसफ़ी जो कहता है वो ये इसको नहीं कहता कि जब एक सूरत बदल जाए तो वो दूसरी सूरत में तो वो पहली सूरत में तब्दील नहीं हो सकती कभी भी ये नहीं कहता कायद फलसफी बल्कि वो कायद अकली व फलसफ़ी जिस पर बहस है फ़िलोसफी में वो मदूम का इस इस तरह जब मदूम हो जाए उसकी हकीकत नस्ती में चली जाए फ़ना ए महज कुछ ना हो ख़त्म हो जाए बिल्कुल मिट जाए बिल्कुल कुछ ना रहे तो अजीज़ान ग्रामी इस तरह की नस्ती जो है वो बदने और जिसम इंसानी के लिए नहीं है अजीज़ आल्कि इंसान का जिसम मट्टी में बदल जाता है तो अब ये जवाब भी जो है अब इस हकीक़त को और ये बात जो हमने आपके सामने पेश की इसको पेश नज़र रख के अब आप देखिए कि जवाब जो है वो और ने और महक्की ने रिसर्चर्स ने स्कॉलर्स ने दिया है कि ये रूह जो असल इंसान की है ये रूह मुंतकिल हुई बरज़् में बर फिर अलम कयामत में लिहाजा दो पहलू हैं दो डायमेंशनज हैं इंसान की इस हयात मादी और दुनियावी में एक जिसमानी पहलू जिसम रखना दूसरा रूह का पहलू रूहानी और मानवी पहलू यानि रूह जो असल है जो असल हकीक़त इंसान है जिसकी वजह से इंसान जो है वो मुमताज़ होता है दूसरे तमाम जो मौजूदा और दूसरी मखलूक से तो यहाँ नाबूद तो नहीं हुआ बल्कि रूह जो असल चीज़ है वो बाकी रही तो जवाब ये है कि वो असल चीज़ इंसान के लिए हमेशा बाकी रही है तो वो ख़त्म ही नहीं हुई कि हम यहाँ ये यह कहें कि याद मदूम नहीं रूह मदूम नहीं हुई है बल्कि वो मौजूद है और एक आलम से दूसरे आलम में फ़कत मनतकिल हुई है जवाब यही है इस शुभे का और इस एतराज का और इस जवाब से अजीज़ान ग्रामी ये बात इंसान के लिए रोशन हो जाती है कि ये फलसफ़े में जो ये इश्काल पेश किया गया है और एतराज जो हुआ है उसको माद के मसले में मुंतबिक करना और यहाँ ला कर उस एतराज़ को यहाँ जारी करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है अजीज़ान ग्रामी तो बस असल चीज़ जो रूह बशर है वो हमेशा बाकी है अब रही बात ये कि मद जिस्मानी होगी और जिस्म मशहूर होंगे तो ये भी एक हकीक़त है और एक और शोभा जो हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसको आपकी खिदमत में ज़िक्र करेंगे इसी बात को अगले एतराज़ के साथ मुतसर करते हुए तो बात वहाँ पर और मज़ीद रोशन हो जाएगी वो दूसरा एतराज़ और दूसरा शोभा जो जहनों में आता है इन शाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको आपकी खिदमत में बयान करेंगे तो ये जिसम जो है आप देखिए कि जो मुंतशिर हो गया बिखर गया मट्टी बन गया तो ये जिसम जो है बिखरे हुए अज्जा को खुदा वंद मत जम कर देगा तो ये आदय मदूम नहीं है वो अज्जा मदूम नहीं हुए थे अज्जा की शक्ल सूरत बदल गई जिस जिसम की सूरत में थे अब वो मट्टी में बिखर गए मट्टी हो गए खाक हो गए तो खा में वो अज्जा मौजूद हैं वही जो जिसम था इंसान का लिहाजा उन अज्जा को जमा करना है और दोबारा इकट्ठा करना है और वो कादिर और कदीर परवरदिगार और ये चीज़ कोई मुहाल नहीं है और इसमें कोई इश्काल और एतराज़ की बात नहीं है कि वो क़ादिर परवरदिगार ज़बरदस्त कुदरत वाला परवरदिगार वोदरत रखता है कि ये बिखरे हुए अज़ा को जो मुंतशिर हो गए मट्टी हो गए ख़ाक हो गए उन अज्जा को दोबारा इकट्ठा कर दे उन अज्जा को दोबारा इजतमाई शक्ल देकर और वो जिसम जो था वो दोबारा वो जिसम की सूरत अता कर दे और रूह उस जिसम के साथ मिलकर फिर इंसान जो ये कहे कि मैं वही इंसान हूँ और सब इंसान उसको देख के कहें कि ये वही इंसान है ये ये इंसान अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाए उसकी रूह वही रूह है जो पैदा हुई थी जो फूकी गई थी जिसम में और वह रूह क़यामत में जो भी जिसम उसका होगा अब आप देखिए कि यहाँ ये तो दुरुस्त है कि ये जिसम उस ज़माने में तो नहीं है जमाने के लिहाज से जो दुनिया की हदूद व्यूद थी कि उस ज़माने में दुनिया दुनिया में मकाम था उसका मकान था तो उस मकान में नहीं होगा जिसम जहाँ पर क़यामत का मैदान होगा क़्यामत का आलम होगा उस आलम में उस वो जिसम हाज़िर होगा लिहाजा उस आलम में और उस जमान और उस मकान में होने की कैद के साथ तो फिर हु बहू वही चीज़ नहीं होगी लेकिन ये कहा जाएगा कि ये इंसान वही इंसान है और ये जिसम के साथ जैसे इंसान दुनिया में था इसी तरह जिसम के साथ ऐसे ही जिसम के साथ वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया गया है इस शुफु को मजीद आगे बढ़ाते हुए और एक और शुभा और एक सवाल जो पेश आता है उसको अगले प्रोमाम में पेश करके उसका जवाब हम नाजरन मोहतरम की खिदमत में बयान करेंगे व सल्लाहमद वाल्रीन